खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, उनके असर से भी आपको रूबरू कराते हैं। छिबरामऊ के कोतवाली क्षेत्र के कसावा गांव का एक मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने जबरदस्त लाठियां बरसाई और इस लाठी प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में कसावा चौकी में रहने वाले राकेश यादव, उनके पुत्र पिंकू यादव को कुछ दबंगों ने सीपी गेस्ट हाउस के पास रामगोपाल सविता की दुकान के सामने तालग्राम थाना क्षेत्र के बहटा चौकी क्षेत्र के गाँव मचपुरवा गाँव के निवासी सतीश यादव, बबलू यादव, यतेंद्र यादव एवं कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अंधाधुंध लाठियां बरसा दी। इस हमले में राकेश यादव, उनके पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच बचाव करने आए रामगोपाल सविता के पुत्र रोहित को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया। राकेश यादव व उनके पुत्र को शौसैया अस्पताल छिबरामऊ में भर्ती करवाया गया। सर में गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाली छिबरामऊ में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कोतवाली प्रभारी विनोद मिश्रा ने दबंगों के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करने के आदेश दे दिए हैं। जनपद कन्नौज के थाना तालग्राम क्षेत्र में एक मारपीट का वीडियो वायरल होना संज्ञान में आया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और वीडियो के आधार पर चिन्हित कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।